We often hear this term, smart parenting. What is it? Is it becoming technologically advanced as a parent or adopting smart parenting techniques? That's what we are going to talk about in today's video. So don't go anywhere. My name is Trilekha. You're watching Lottolearn. It is very important to have balance between care, warmth, and discipline while raising a child. Smart parenting is learning to adopt ways to nurture your child in every aspect of life and at the same time enjoying parenthood. Let us see some traits of smart parents. What do exactly they do and how differently they manage the thing. First, I talk about some real life situations. Aap kisi fun fair mein gaye hain. फन फेयर में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारी राइड्स होती हैं, टॉय शॉप्स होती हैं, ट्रेन राइड, जाइंट व्हील, एरोप्लेन राइड्स, देयर आर मेनी थिंग्स। बच्चों को तो सारी राइड्स भी करनी होती है और सारे टॉयज भी लेने होते हैं। वहाँ मैंने तीन तरह के पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया। तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट वन इज जहाँ पर बच्चे जो भी कहते हैं पेरेंट्स उसे करते जाते हैं, ये चाहिए ले लो, यहाँ जाना है चलो। दूसरी, जहाँ पर बच्चे कहते तो हैं पर पेरेंट्स उसे सुनते ही नहीं हैं, वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो सुन ही नहीं रहे हों और बच्चे टैंट्रम्स दिखाते जाते हैं, जिद करते हैं और पेरेंट्स उसे इग्नोर करते जाते हैं। हाँ, हालांकि आसपास के लोग ज़रूर ये सब देख रहे होते हैं। थर्ड वन इज जहाँ बच्चों को ऑप्शन दिया जाता है, बेटा हम दो या तीन राइड्स लेंगे, एक टॉय लेंगे, आप डिसाइड करो आपको कौन सी राइड लेनी है। यहाँ पर भी कुछ बच्चे जिद करते हैं कि नहीं, मुझे तो सारे टॉयज चाहिए, सारी राइड्स लेनी है। तब पेरेंट्स फॉर्मली कह देते हैं, नो आई हैव दिस मच मनी, वी कैन नॉट गो फॉर ऑल राइड्स। सो नाउ यू नीड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट यू वांट टू बी। आई कैन नॉट टेल यू दैट। दिस वन इज माय ओन एक्सपीरियंस, माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरी बेटी के एग्जाम्स हुए, उसे लगा कि उसे फर्स्ट या सेकेंड आना है। आजकल कंपटीशन इतना है कि 96.6% में भी रैंक फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स होती है, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होती हूँ। बट उसे एनकरेज करने के लिए मैंने उसे कहा कि हाँ आप ट्राई करो, ज़रूर होगा, और अगर आप फर्स्ट या सेकेंड आए तो मैं आपको न्यू मॉड्यूलर किचन सेट ला कर दूँगी, जो कि वो काफ़ी दिनों से लेना चाह रही थी। एग्ज़ाम हुए, उसने हार्डवर्क किया, बट उसकी रैंक फर्स्ट या सेकेंड नहीं आई और वो बहुत अपसेट थी कि अब तो किचन सेट नहीं मिलेगा। आई टोल्ड हर कि बेटा आपको किचन सेट तो ज़रूर मिलेगा क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया, पर आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप अगले 4 मंथ्स तक मुझसे कोई न्यू टॉय की डिमांड नहीं करोगे। ये प्रॉमिस मैंने उसे बार बार याद दिलाया। टॉय शॉप में जब हम वो चीज़ लेने गए तब भी मैंने उसे एक बार फिर रिमाइंड कराया। ठीक एक महीने बाद वो फिर एक न्यू टॉय शॉप में रुक गई। तब मैंने उसे याद दिलाया कि आपने प्रॉमिस किया था, अगर आप अपना प्रॉमिस तोड़ोगे तो मैं भी अपना प्रॉमिस तोड़ूंगी। शी हैप्पीली अग्रीड एंड शी सेड ओके मामा। तो इस तरह मैंने उसके हार्डवर्क को इम्पोर्टेंस दी, ना कि उसकी रैंक को। इससे वो डीमोटिवेट नहीं हुई और मेरा और उसका बॉन्ड स्ट्रांग हुआ और मैंने अगले 4 महीने तक छुट्टी भी पा ली कि मुझे कोई न्यू टॉय ला के नहीं देना पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्मार्ट पेरेंटिंग इज टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। मेक योर सेल्फ टॉप प्रियोरिटी। जी हाँ, सही सुना आपने, आपको पहले अपना ध्यान रखना होगा। आपके साथ और इनफैक्ट मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम थोड़ा लो फील करते हैं, जब हम इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, उस वक्त हम बहुत छोटी सी बात पर बच्चों को झड़प देते हैं और बाद में हम रियलाइज भी करते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। अगर ये वंस इन अ वाइल होता है तब तो ठीक है, मगर अगर ये बार बार होता है तब आपको पहले खुद का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छा फील करेंगे तो आपका फील गुड बिहेवियर घर के सारे एटमॉस्फेयर को चेयरफुल बना देगा और आप चीज़ों को ठीक तरह से मैनेज कर पाएंगी। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक टाइम आउट फ्रॉम फैमिली, हैव सम हॉबी। डू यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड से सॉरी? अगर आपने किसी से मिसबिहेव किया है या किसी को हर्ट किया है तो आप अपने बच्चों के सामने उनसे माफ़ी ज़रूर मांगे। ऐसा कहके आप उन्हें ये दिखाएंगे कि आपको दूसरों की फीलिंग्स की परवाह है, आप में अपनी गलती मानने की हिम्मत है और यही बात वो भी सीखेंगे।
लेकिन नेवर फोर्स देम टू से सॉरी इन पब्लिक. बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं, उनसे कुछ भी गलती हो जाती है तो वो कहते हैं से सॉरी, और बच्चे सॉरी बोल भी देते हैं लेकिन वो अंदर से रियलाइज़ नहीं करते. फोर्सफुली सॉरी कह तो देते हैं पर उन्हें फील नहीं होता कि उन्होंने ऐसा किया क्या है. तो अगर आप उन्हें चाहते हैं कि वो अपनी गलती माने, उन्हें पता हो कि किस बात के लिए उन्हें सॉरी कहना है, तो जब आप और वो अकेले हों उस वक्त आप उन्हें समझाएं कि आज आपसे जो हुआ था उसके लिए सॉरी बोलना ज़रूरी है. आज के लिए बस इतना ही. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें. मुझे अपने व्यूज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.